भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा ने पिछले घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए हैं। पीएम मोदी के राज में देश की हालत खराब हो रही है, लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी विगत कई सालों से बढ़ी हुई है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी की जो गारंटी है केवल झूठ की गारंटी है। आप खजुराहो की एक घटना देखें, जो इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली थी, महिलाओं पे अत्याचार की गारंटी है। गांव में 1,30,000 रुपए कुटीर के लिए दिए और शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 रुपए कुटीरों के लिए दिए। गांव में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ती है, सीमेंट के दाम बढ़े, लोहे के दाम बढ़े, ईंट के दाम बढ़े, मजदूरी के दाम बढ़े और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम बढ़े, उसके चलते 1,30,000 में कुटीर बनना संभव नहीं है और लाखों की संख्या में कुटीर आधी अधूरी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई पड़ी हुई है। गांव में ज्यादा पैसे देना चाहिए, वहां कम दिए। शहरों में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं लगती, वहां सस्ती पड़ती है कुटीर, वहां 2,50,000 रुपए दिए और गांव में 1,30,000 रुपए दिए।